हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। यह हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था अप्रैल 1917 में और इसका स्थान था बिहार के चंपारण जिले में। यह शुरू हुआ था अप्रैल 1917 को और इसका स्थान था बिहार के चंपारण जिले में। देखिए, इसका कारण देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का कारण। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का कारण था किसानों पर अत्याचार। इसका पहला कारण था किसानों पर अत्याचार और अवैध वसूली। देखिए, उस समय के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नील की खेती और नकदी फसल की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे क्योंकि अंग्रेज सरकार उन पर दबाव बना रही थी किसानों पर नील की खेती करो, क्योंकि अंग्रेज सरकार को नील की खेती से ज्यादा फायदा था। फिर अंग्रेज सरकार ने एक फरमान सुनाया, एक आदेश आया कि किसान को अपने जमीन का 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। इसी को कहा जाता है 3/20 पद्धति। तो इस प्रकार के खेती किसानों के द्वारा करवाया जा रहा था। फिर एक व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ला, ये बिहार चंपारण के रहने वाले हैं। राजकुमार शुक्ला यह गांधी जी से आग्रह करते हैं कि वह चंपारण आए और किसानों का जायजा करें। उसके बाद गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचते हैं, चंपारण के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ के स्टेशन पर किसानों की भीड़ उमड़ जाती है गांधी जी को देखने के लिए। फिर वहाँ की अंग्रेज सरकार भी हलचल में आती है और गांधी जी को, वहाँ की जो पुलिस सुप्रिटेंड है, गांधी जी को वापस जिला छोड़ने का आदेश देती है और गांधी जी उनका आदेश को ठुकरा देते हैं, मना कर देते हैं। फिर उसके जस्ट अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। और जब गांधी जी कोर्ट में हाजिर होते हैं, फिर कोर्ट के बाहर किसानों की भीड़ उमड़ जाती है और वह नारेबाजी करते हैं। फिर वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं वो घबराकर बिना जमानत के ही गांधी जी को छोड़ देते हैं और गांधी जी मजिस्ट्रेट के सामने सजा की मांग करते हैं। उसके बाद देखते हैं चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। देखिए, जब चंपारण सत्याग्रह सफल, अवैध वसूली का 25% वापस करने की सहमति हुई है। उसके परिणाम में जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो किसानों से जो अवैध वसूली किया जा रहा था उसका 25% भाग अंग्रेज सरकार वापस देने की बात कहते हैं। उसके बाद देखते हैं उपाधि। देखिए, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित। एक बार और देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था अप्रैल 1917 में और इसका स्थान था बिहार के चंपारण जिले में। स्टार्ट हुआ था चंपारण सत्याग्रह। इसका कारण था किसानों पर अत्याचार और अवैध वसूली के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए, उस समय के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नील की खेती और नकदी फसल की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे क्योंकि अंग्रेज सरकार उन पर दबाव बना रहा था कि नील की खेती करो, क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार को नील की खेती से ज्यादा फायदा था। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने एक फरमान सुनाया कि किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। इसी को कहा जाता है 3/20 पद्धति। इसी सबसे नाखुश होकर एक व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ला, जो कि बिहार चंपारण के रहने वाले हैं। यह गांधी जी को आग्रह करते हैं कि वह चंपारण आए और किसानों का जायजा ले। उसके बाद गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर अप्रैल 1917 को चंपारण के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और जब वहां के किसानों को पता चलता है कि महात्मा गांधी आए हैं तो तब रेलवे स्टेशन पर किसानों की भीड़ उमड़ जाती है। उसके बाद अंग्रेज सरकार भी हलचल में आती है और वहां के पुलिस सुप्रिटेंड गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश देते हैं। फिर जब गांधी जी मना कर देते हैं, उसके अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होना रहता है। जब गांधी जी कोर्ट में आते हैं तो उसके साथ किसान भी आते हैं और वह वहां पर नारेबाजी करते हैं और कोर्ट के बाहर बहुत सारी भीड़ में उपस्थित रहते हैं। फिर वहां के मजिस्ट्रेट बिना जमानत के ही गांधी जी को छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। देखिए, अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस करने की सहमति हुई अंग्रेज सरकार और किसानों के बीच। जो अवैध वसूली किया गया था उसका 25% भाग वापस करने की सहमति बनी। और उपाधि, देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। इसी के बाद ही गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाएंगे। तो ये थी चंपारण सत्याग्रह और उससे संबंधित घटनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।